हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है संडे, हम लोग जा रहे हैं नई जगह घूमने। नहीं तो क्या, मैंने घूमा नहीं है। पालड़ी मीना का कुंड कुछ बोलेगी, कुछ नहीं बोलेंगे। और कुछ दिनों से व्लॉग्स इसलिए भी नहीं आ रहे थे क्योंकि मेरे पेट में पाई गई थी एक बहुत मोटी पथरी, और 4 दिन पहले मैं हॉस्पिटल में भी था। तो अभी थोड़ा दर्द कम है और बोरियत मिटाने के लिए आ जाए हैं घूमने के लिए। तो होप की तबीयत ठीक हो जाए और कंटिन्यू व्लॉग शूट मैं करता रहूँ। और देखते रहो आप इस व्लॉग में, इन्जॉय करो मेरे साथ। चलो मेरे आगे जा रहे हैं हाथी, दिखाते हैं आपको। हाथी मेरे साथी ले पकड़। साढ़े 5 बजे बंद हो जाएगा। हाँ, तभी तो पता है रिकॉर्ड हो रहा है ना। हाँ, यही है। आ गया पंथीरा वो मंदिर, ये वाला है। तो फाइनली पहुंच चुके हैं पन्ना मीना कुंड, और शाम होने वाली है क्योंकि यहाँ पहाड़ है तो जल्दी हो जाती है। मेरे पीछे आप घर देख सकते हो, वो पहाड़ों पे बने हुए हैं। और ये शिव जी का मंदिर है और ये सुनहरी शाम के साथ देखो, मतलब क्या सोच के घर बनाते भाई पहाड़ों पे। ये एक मिनी थिएटर, ये थिएटर ही लग रहा है ये तो। और चलो चलो मेरे साथ चलो। ओहो वाओ, दिस इज समथिंग ब्यूटीफुल। इधर तो सुबह सुबह आना चाहिए था। तो देखो, इस लड़की ने मेरी बहुत सारी फ़ोटो बिगाड़ी है आज, और इसको बड़ा डर लगता है। इसको यहीं से मैं धक्का दे दूँ, तैरना तो आता है नहीं। नहीं नहीं, गलत आइडिया, नो 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 नो, केस हो जाएगा, केस हो जाएगा। तो वहाँ रेस्ट चल रहा है एकदम, देख रहे हो, धूप सेकी जा रही है, यहाँ ज़िंदगी झंडा रही है, पेट में पत्थर पाए जा रहे हैं। कितना ही अच्छा खा लो आप, समझ रहे हो आप, मतलब ये समझो मेरी बहना, कितना अच्छा खा लो पेट में पथरी है। पता है कितना दर्द हुआ था 3 दिन पहले, आए हाय, हॉस्पिटल में जो इंजेक्शन ठोक दिए नर्स ने लगा के। और ये महिला जो मेरी बहुत अच्छी पत्नी है, बहुत अच्छी पत्नी, कितनी पत्नी है देवा? नहीं, एक ही पत्नी है। तो इसने ये क्या है, ये बहुत अच्छी है, देख रहे हो आप, चमक रही है ना, ये ग्लो दिख रहा है आपको इस बारिश में, अलग ही ग्लो आ रहा है, स्टोन मेरे हो रहा है, ग्लो इसके आ रही है, क्रीम लगा रही है, ये सोमा दी की स्पेशल वाली, मुझे नहीं दे रही है। देखिए, जब लोग कुछ भी बोलते तो कुछ भी बोले चले जाते हैं कुछ। वैसे वैसे एक बात बताऊं दोस्तों, स्टोन का दर्द बहुत गंदा होता है, जिनको होता है ना, खैर उनको पता है कि स्टोन का दर्द बहुत ज़्यादा ही ख़राब और गंदा होता है। बड़ा मज़ा आ रहा है दोस्तों, बहुत देर से घूम रहा है, क्या नहीं घूमता, खुलता होगा शिवरात्रि के दिन कभी। यार ये सन बढ़िया आ रहा है, सुनहरा सुनहरा कलर। इधर भी अलाउ नहीं है चढ़ना दोस्तों, नीचे जाना है अलाउ नहीं। नीचे जाना होता तो मज़ा आता ना, एकदम मछली बन के तैरते। तो अभी पालड़ी मीना से निकल के उसके जस्ट सामने है ये लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर, क्योंकि फोटोग्राफ्स में तो मैंने बहुत देखा है। यहाँ से ऊपर जा रहे हैं मुर्गिया पैर, यार चलो ऊपर, चलो चढ़ो, आराम से चढ़ना अलाउ तो है, क्या शूज़ खोलने हैं। तो ये क्या मंदिर था नाम मंदिर का, बिहारी जी मंदिर। तो ये बिहारी जी का मंदिर है, सामने कपाट खैर बंद है और हम लोग आ चुके हैं अंदर। तो ये इस मंदिर का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। मैडम नीचे ही खड़ी है और मैं शूज़ खोल के ऊपर आ गया हूँ, इनको शूज़ उतारने में जोर आता है। ये हैं पतालसी जी, अब कहाँ चलें,
भूख लग रही है वैसे, कुछ खाएंगे यार, भूख लग रही है, खाना नहीं खाया, लंच नहीं किया, कुछ नहीं किया, निकल पड़े बस घूमने, जगह का ही पता नहीं, कहीं भी घूम लो। वो क्या है, पीली सी बिल्डिंग, वाह क्या सुनहरी धूप है यार, गजब धूप है। हेलो पपी, हाय पपी। तो ये पपी हैं इस मंदिर के सेवादार अभी। बाय बाय पपी। तो अभी चल रहे हैं पन्ना मीना कुंड के आगे, क्योंकि पन्ना मीना कुंड के आगे क्योंकि काफ़ी गाड़ियां आगे चल रही है ना, मैं कुछ ज़्यादा फास्ट बोल देता हूँ कभी। श्री जगत शिरोमणि मंदिर, श्री जगत, ये है संत शिरोमणि मंदिर जो बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत है यार, इधर तो आए नहीं कभी। तो इस मंदिर का व्यू देखो आप, ये गेट ये ऊपर चढ़ेंगे, वाह क्या व्यू है, फ़ोटो खिंचवा लें, बस फ़ोटो खिंचवा लें, हाँ शाम की फ़ोटो अच्छी आ जाएगी पीछे तो सुन। तो जो इस मंदिर का आर्किटेक्चर है भाई साहब, बहुत अच्छा आर्किटेक्चर है, चलो अंदर, बहुत ही सुंदर आर्किटेक्चर है यहाँ पर जो कि आप देख रहे हो। और ये जूते उतारिए, शू स्टैंड दे रखी है यहाँ पर। और ये है अंदर राधा रानी का मंदिर, और ये बहुत ही मज़ा आ गया दोस्तों घूम के, ये जगह भी मैं तो पहली बार ही घूम रहा हूँ, ये जगह लगा रहा हूँ, किसने मना किया राउंड लगाने से। तो ये तो एक परिक्रमा लगाते हैं, हाँ वैसे इस मंदिर के अंदर चूहे, अंदर बहुत सारे चूँ चूँ चू चू चूहे चकचुंदर, ओए हाय हाथी, एक साथ नहीं बहुत सारे हाथी, मतलब देखो आप शिल्पकला। इसका जो आर्किटेक्चर है ना, एक्चुअली बहुत कुछ साउथ से सिमिलर है, साउथ के टेंपल्स आपने देखे होंगे तो बहुत कुछ उससे सिमिलर है। वाओ, और मैंने जयपुर में ऐसा मंदिर पहली बार देखा है, साउथ में तो बहुत सारे मंदिर हैं। हाँ, नहीं शिल्पकला हुआ वाला मंदिर, हाँ, तो है ना, ऐसा ऐसा मंदिर दिखता नहीं है, क्योंकि काला मुंह का बंदा नहीं काटता है। तो यहाँ पे हनुमान जी दिख गए हैं, जय श्री राम, डंड के डरने का नहीं ले लेता है भैया, नहीं ले लेगा, अपने हाथ में केला नहीं है, डरने का नहीं है, बिल्कुल भी नहीं डरने का, हिंसा नहीं दिखाने का। और यहाँ पे डॉगी अपना लंच डिनर करते हुए, ये मंदिर की घंटी बजती थी यहाँ, तुझे इधर फोटो लेनी है, खड़ी हो जा, एक शॉट लूँगा मैं यहाँ से। और ये देखो ब्यूटीफुल, दिस इज़ ब्यूटीफुल एंड शी इज़ माई ब्यूटीफुल वाइफ। इसको डर लग रहा है कि मेरा गोबर नहीं लग जाए। परिक्रमा कंप्लीट करते हैं, एक परिक्रमा ज़्यादा तो नहीं लगाएंगे। कैसा मज़ा आया, साउथ की याद आई इसको तो आज बहुत ज़्यादा। और ये व्यू देखो आप, मतलब पहाड़ों पे घर, पहाड़ों पे तो घर है, पहाड़ पे मंदिर है, मतलब समझ रहे हो यार क्या मज़ेदार जगह है। धनुष है ये, अर्धनारीश्वर है, अर्धनारीश्वर, आप शिव, आप पार्वती, हाँ पार्वती, ये शिव पार्वती, अच्छा नंदी साथ, मतलब हर एक पे अलग अलग अवतार लगा बनाए हुए हैं। आप किसको भगा रहे हो, वो बंदर को, मंकी, ऐसे नहीं करो वो आपको काट जाएगा, छोड़ो, वैसे तो वो काला मुंह का है, काटेगा नहीं, अभी लाल मुंह का होता तो आपको आके ना ऐसे कर देता, नहीं मारते वो, खुंवार और मारेगा फिर वो डरावना हो जाएगा। फूल खा रहे हैं भाई साहब, चलो थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच अंकल। ये द्वार बॉस है, आजा फ्रेम में, आजा फ्रेम में, बहुत मजा आया, आय हाय क्या मंदिर है, दिल बाग बाग हो गया। इन्फॉर्मेशन भी दी, 430-431 साल पुराना मंदिर है ये। और गाइस जयपुर में लोग बाग आमिर आते हैं, इतना कुछ देखते हैं बट ऐसी ब्यूटीफुल जगह को मिस कर देते हैं। सो बेसिकली ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है ये वाला टेंपल, और जैसे कि भाई साहब ने बताया चार मंदिर है वहाँ पे, एक है सूर्य मंदिर, एक नीचे है लक्ष्मी नारायण मंदिर, और एक है कोई बावड़ी। अरे बंदर भाई साहब वीडियो तो बना ले दो यार, स्माइलिंग बंदर भाई साहब वीडियो बना ले,
थोड़ा कष्ट करोगे जाने का? बंदर भाई साहब सुन नहीं रहे हमारी। नहीं नहीं हम कुछ नहीं करेंगे, वो चला जाएगा, कुछ नहीं करेगा। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, इसमें अभी पानी है तो डूब के मर जा रहे चुल्लू और पानी में बड़ा गहरा खूबसूरत। तो बेसिकली मैं इसको जूम आउट करूंगा, इसकी आंखें बहुत सुंदर है गाय की, रंजू ने नोटिस किया। सच में सुंदर है यार, बहुत ज्यादा सुंदर आंखें, तुम बहुत खूबसूरत हो। वो कितनी सुंदर सही में आंखें इसकी। तो अभी हम रुक गए हैं रास्ते में, और रास्ते में रुक के क्या मिला है, पंचिंग बैग। पंचिंग बैग बोलते हैं, बैग नहीं होता है वो, वैसे पंच करते हैं और वापस ऊपर आ जाता है वो खिलौना। तो मैडम वहाँ लेने गई है खिलौना नानू के लिए, खिलौना। एक्चुअली वो अपाहिज है। अच्छा, पर वो खुद मेहनत करके कमा रहे हैं तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगी इसलिए मैं लेना चाहती हूँ। और ये पंचिंग बैग ले लिया है, नानू उसके साथ दुशम दुशम करेगा। चले चलो अब घर चलते हैं। और अभी पहुंच गए घर, और नानू का रिएक्शन देखते हैं क्या होता है। नानू के लिए नया गिफ्ट है, और नानू घर पे फ़ोन चला रहा है। क्या चला रहे हो आप? दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा ये बोलो, लाइक लाइक शेयर सब्सक्राइब। आज का व्लॉग यहीं तक, देखने के लिए सबको बहुत बहुत शुक्रिया, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।